मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में सिंधिया की भूमिका को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि चुनाव तो केवल नगर सरकार के हैं, लेकिन कहीं न कहीं चुनाव शहरी क्षेत्रों में फिलहाल जनता के मूड को बताएंगे। चुनावी नतीजों से तय होगा कि शहरी इलाके के मतदाता इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस, मतलब कि दोनों दलों को लेकर क्या सोच रहे हैं। इसलिए इन चुनाव में बड़े छोटे सभी नेता अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराज सिंधिया ने इसके लिए बाकायदा दिल्ली में एक बैठक तक ले ली है। इसमें ग्वालियर के स्थानीय नेताओं सहित बीजेपी के एक पूर्व मंत्री भी शामिल रहीं। सिंधिया ने ग्वालियर के नेताओं को इस बात के लिए नसीहत दी कि पार्षद का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कांग्रेस के हाथ एक भी वार्ड न जाए। इस बैठक को लेकर चर्चा जोरों पर है। अटकलें हैं कि सिंधिया इन चुनाव में अपने समर्थकों की भागीदारी को लेकर भी चिंतित हैं। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस को घेरने के बहाने स्थानीय नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की गई।